बीकानेर से हूँ और मैं नागपुर में विद्या निकेतन में भी पढ़ रहा हूँ। मैं 8th क्लास में आया था जब विद्या निकेतन में, तब मुझे कुछ भी नहीं आता था शायद, तब मेरे को आदित्य भट्टम्बर पढ़ाती थी वो, जो कि सोनगढ़ से छपी है एक भट्टम्बर की बुक, उसमें भट्टम्बर प्रवचन नाम से बुक है, वो भट्टम्बर मैंने एक महीने पढ़ा था और उसको याद किया था कंठस्थ। और हमारी जो 10th क्लास थी उसने भी याद, पूरी क्लास हमारी ऐसी क्लास थी जो बेस्ट था हमारा, उसने पूरे ने भट्टम्बर पूरा याद किया था और उसने सब लोगों को सुनाया भी था। और भट्टम्बर जब हम लोग याद किए थे तब हम लोग को पहले कुछ भी नहीं आता था, और भट्टम्बर पढ़ के, ये भट्टम्बर स्तोत्र ऐसा है जिसमें सिर्फ भगवान की स्तुति की गई है, भगवान आदिनाथ की। और आचार्य मानतोगी ने जब वो जेल में बंद थे, कोई राजा के द्वारा उनको जेल में बंद किया गया था, तो उसकी कहानी ऐसी है, जब भट्टम्बर स्तोत्र जब उनने लिखना स्टार्ट किया था तो धीरे धीरे उनके सारे रोग खत्म होते गए और वो जो लोहे की बेड़ियों से बंधे हुए थे उनकी बेड़ियाँ खुल गई, और ऐसे वो एक एक काव्य लिखते गए तो 48 ताले थे वो धीरे धीरे खुलते गए। इस प्रकार भट्टम्बर स्तोत्र लिखते से ही वो आज़ाद हो गए थे, और वो राजा था उसको भी जैन धर्म के प्रति श्रद्धा हो गई, वो खुद भी उस आचार्य के, मानतुंग आचार्य के चरणों में झुक के उस भट्टम्बर स्तोत्र को माना। मतलब बहुत से मंत्र और ये हैं जिनके लिए भगवान के लिए अपन, भगवान ने अपन से कुछ मांगा है, लेकिन यह स्तोत्र ऐसा है जिसमें भगवान की स्तुति की गई है। इस प्रकार मेरा यह एक्सपीरियंस है भट्टम्बर स्तोत्र के प्रति, मैं इसको हमेशा अपने, अभी भी मेरे को याद है और हमेशा याद रखूँगा और सभी को बताता रहूँगा, यहाँ पे भी जाऊँगा भट्टम्बर स्तोत्र से ऐसा ऐसा। थैंक यू।